सर, जिस राज्य से मैं आती हूँ उस राज्य में अनेक वर्षों से धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम आरक्षण के बारे में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। हर राज्य की पार्टी का एक अलग विचार रहा है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षेप में बोलूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं दो पॉइंट्स में डिवाइड करूँगी मेरा भाषण। एक तो पिनाकी मिश्रा जी ने जो कहा वो मुद्दा बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो लोकर कमेटी जो 1965 में बनी थी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, और संजोग से उन्हीं के राज्य से जो आते हैं, पिनाकी जी के राज्य उड़ीसा से, श्री उनका नाम है श्री पांडा जी। तो पांडा जी ने 2014 में जब किशोर सिंह देव जी मंत्री थे ट्राइबल के, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिस ऋषिकेश पांडा जी उसके अध्यक्ष थे, उनके भी काफ़ी रिकमेंडेशंस है। और जो चीज़ पिनाकी जी ने कही और उन्होंने जो 1965 की कमेटी कोट की और ये 2014 की कमेटी पांडा साहब की, दोनों में काफ़ी कॉमनैलिटीज है। और उनका यही सुझाव है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल, जो पहले में भी सर बोल चुकी हूँ कि एक देश के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बिल अगर आप लाए तो इस देश के जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित लोग हैं, उनको एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन क्राइटेरिया भी एक्सपैंड करो, जो सुझाव उन्होंने दिया है वो बहुत अच्छा है, उसके लिए सेंसेस भी करना पड़ेगा सर। सो एक डिटेल सेंसेस अगर ये सरकार करे तो एक अच्छा बदलाव जो आप करना चाहते हैं, और हम आपके साथ खड़े हैं उसमें, इस देश का जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसके लिए तो हम सब एक ही आवाज़ में बोलेंगे। इसमें ना यूपी है, एनडीए है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ड्रग का इतना अब्यूज़ के बारे में जब बिल हुआ, एक आवाज़ में हम होम मिनिस्टर के साथ खड़े रहे, तो इसके बारे में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये जब बिल आ रहा है तो मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज हो गई हूँ सर, और अगर आप टिप्पणी करके सर मुझे थोड़ा समझा दे। मैं रोज डिबेट सुन रही हूँ, और डिबेट में ये जो धनगर, मराठा, लिंगायत, मुस्लिम आरक्षण जो हमारे राज्यों में मांग हो रही है सर, उसमें मैं नहीं बोलूंगी, मुझे पता है कि ये सब धनगर के लिए सीमित हो सकता है ये। लेकिन मेरे बहुत सीनियर कलीग है राजेंद्र गावित जी का मैं भाषण सुन रही थी, और वो आज जो मुख्यमंत्री है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ सर, महाराष्ट्र में अभी एक ईडी सरकार है सर, मैं नहीं ईडी कहती, वो खुद को ईडी कहते हैं, देवेंद्र जी खुद कहते हैं कि हमारी ईडी सरकार है, मतलब एकनाथ और देवेंद्र। और इनकी जब सरकार, मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी संक्षेप में आपको बोलूंगी, 2013 में देवेंद्र जी महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष के नेता थे, और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारामती आए थे, और बारामती में जब आए थे तब उन्होंने ढोल बजा के बोला था कि जब हमारी सरकार 2014 में आएगी तो हम धनगरों को आरक्षण पहली कैबिनेट में देंगे। उसके बाद 5 साल उनकी सरकार रही, 250 कैबिनेट हुई, लेकिन नहीं किया उन्होंने, धनगरों को आरक्षण नहीं किया। फिर से उनकी सरकार नहीं, महाविकास आघाड़ी की सरकार रही है, तो महाविकास आघाड़ी ने जो सर्वे उनकी सरकार ने किया था उसमें कहा था कि, जिसके बारे में गावित जी आप कह रहे वो बात सही है, कि टिस को दिया था देवेंद्र जी ने, और उसमें कहा कि इनको नहीं मिलना चाहिए। हमारी मांग पहले दिन से है कि हमको किसी का लेना नहीं है, जिसका आरक्षण है वो वहीं रहे, ये बाकी के जिनको करे उनको एक्सपैंड करे बेस और फिर दे। तो हम कभी नहीं चाहते कि धनगरों का आरक्षण अगर एसटी में मिले तो जो आज एसटी में है उनका कम हो, दूसरे का निवाला कभी नहीं छीनेंगे हम लोग, जिसका हक है उसको वो मिलेगा और उसको नया देना पड़ेगा, यही हमारी मांग है। लेकिन मुझे कन्फ्यूजन इस बात का हो रहा है कि गावित जी आज जो शिवसेना में है, उनके विचार के उनके नेता आज मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि धनगरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, गावित साहब कह रहे हैं, और कल यही शिवसेना कह रही थी कि धनगरों को आरक्षण दे। तो शिवसेना का स्टैंड क्या है, और ये सवाल मैं बीजेपी को पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सरकार की मिली भगत वाली ईडी सरकार है, तो मुझे सिर्फ आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन मुंडा जी कह आपको सवाल कर रही हूं मैं, और इसका आप जवाब देंगे, आप मुझे विश्वास है, क्योंकि क्या हो रहा है, वो जो धनगर है जिसने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, उनको आप धोखा दे रहे, ये धोखे की राजनीति हो रही है या सत्य की राजनीति नहीं हो रही है, क्योंकि अब ईडी सरकार सच जवाब दे कि वो देना चाहते हैं धनगरों को कि नहीं देना चाहते, क्योंकि कल का उनका वक्ता कह रहा था कि धनगरों को आरक्षण मिलना चाहिए, आज शिंदे सेना के लोग कह रहे हैं कि हम धनगरों को आरक्षण नहीं देना चाहते।
No, she is not yielding. Sir, she is not yielding. Minister will give reply. Sir, I am not yielding. They are, इन्होंने धोखा दिया है. Nothing will go on record except Supriya Sunil. जनता ने इनको इतने वोट देके चुन के दिया है. ये बीजेपी और शिंदे सेना वो आम बेचारा शोषित पीड़ित वंचित मेहनत करने वाला धनगर को ये बदनाम कर रहे हैं और उनको धोखा दिया है. 5 साल पहले धोखा देके वोट लिए, आज भी धोखा दे रहे. क्योंकि आप सोचिए सर, क्या सोच रहा होगा वो धनगर आज कि उन्होंने देवेंद्र जी पे विश्वास किया. आज उनका आदमी उनके इनके विचार का ही आदमी है. हम क्या कह रहे हैं, पहले दिन से महाविकास आघाड़ी का स्टैंड है कि आदिवासी का जो है उसी का रहेगा. हम किसी का हक नहीं चाहिए, ना मराठों का किसका हक चाहिए, ना किसी धनगर को किसी का और चाहिए, ना लिंगायत चाहिए क्या, ना मुसलमान चाहिए. जो हमारा है वो हमें दे दीजिए, हमको दूसरे का कुछ नहीं चाहिए. हम दूसरे की मदद करना चाहते, दूसरे का निवाला कभी नहीं लेंगे. जो हमारा है वही हम मांग रहे. तो सिर्फ आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन क्या है. क्योंकि देवेंद्र जी ने विश्वास रखे, इस देश ने, इस राज्य ने देवेंद्र फडणवीस जी को मंत्री बनाया. महाराष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य है हमारा. और का क्या कहते हैं वहां कि धनगरों को आरक्षण देंगे, और यहाँ उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि नहीं देंगे. आप बेचारे धनगर समाज को वैसे ही फंसा देंगे. ये अन्याय है महाराष्ट्र के धनगर समाज पे भी, please, और आदिवासी समाज पे भी. सुप्रिया जी, प्लीज कम टू द बिल. धनगर समाज वांट्स दिस आरक्षण. प्लीज कम टू द बिल. दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिल. बिकॉज द धनगर समाज इज आस्किंग. सो आई एम रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल मिनिस्टर दैट इट्स हिज मिनिस्टर इन इंडिया, इन महाराष्ट्र. इट्स हिज आइडियोलॉजिकल. सो देर इज अ बीजेपी शिंदे सेना सरकार in Maharashtra and the same government here. So then how can there be two conflicting images? How can you two have two different views? So do you want Dhangar and Marathas and Lingayats and Muslims to get Arakshan or not? Because their one speaker yesterday said ki haan Dhangaron ko Arakshan mangna chahiye. Ye kal on record. I challenge them, table it what they said yesterday and see what they are saying today. Today he is speaking against Dhangars today. So kya samajhe, you are cheating the people of this nation. These are poor people who are needy people who are asking for their rights. You made your point. Please go for other point. Sir, this is what we are saying. Nothing will go on record except Supriya Sule. I'm trying to make, sir, is different. Now, in this today's bill, sir, I never disturb anybody ever. You have seen my record for 30 years. मैं किसी के खिलाफ कभी नहीं बोलती, मैं खुद बोल लेती हूँ. Sir, I never disturb anybody. No. She is not yielding to you. She is not yielding to you. Sir, I cannot permit. Yielding. If at all anything has to be replied, it will be replied by the minister. She asked some political questions. Just requesting minister will reply during his reply. During this bill, what has been explained by the minister, which I thank the minister, बहुत बड़े दिल के हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि एक example मैं आपको दूं सर कि धनुकर और धनुवार ये communities है. कोंड या कोंडा, लास्ट पॉइंट, जस्ट वन वेरी स्मॉल पॉइंट. सो सौरारा एंड सोनरा कम्युनिटीज, सो धनगढ़ एंड द लास्ट वेरी इन 30 सेकंड्स आई विल फिनिश. अनफॉर्चुनेटली एसपी बघेल जी इज नॉट हियर, वेरी कॉम्पिटेंट मिनिस्टर इन द मोदी गवर्नमेंट सर, एंड ही हैज ऑलवेज लुक्ड आफ्टर. सो धनगढ़ और धनगर, अगर वो यहाँ होते तो पूरे हाउस को अच्छी तरह से समझाते. मैं भी जब दिल्ली चुन के आई थी सर, ये पूरा धनगर आरक्षण का महाराष्ट्र में देश के बारे में जो था वो एसपी बघेल जी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया था. हमारे बड़े भाई है. तो धनगर और धनगढ़ जैसे आप बाकी राज्यों के लिए कर रहे हैं, वैसे महाराष्ट्र के धनगर और धनगढ़ इसको भी आप अलग ना सोचिए. मेरे मुझे विश्वास है कि आप एक पूरा कंसेंसस, जैसे पिनाकी जी ने भी कहा कि आप सब की हमारी डिमांड है, एक बड़ा आप कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाइए, एक पूरा सेंसिस करिए और ये शोषित पंचित पीड़ित जो लोग हैं उन सबको न्याय दे. थैंक यू वेरी मच.